सो हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंस्ट्रूमेंटल गुरु पे। सो गाइस, आज ये वीडियो कोई भी म्यूजिक रिलेटेड वीडियो नहीं है, ना फिर कोई ना कोई गिटार कवर है। सो गाइस, आज मैं बस अपने कुछ ओपिनियंस और व्यू शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसे मैटर पे जो यूट्यूब पे इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे है, और उस मैटर का नाम है टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई। सो गाइस, इसमें हुआ क्या है मैटर में, ये मैटर इसलिए बना क्योंकि हमारी इंडिया से एक चैनल, मतलब हमारी इंडिया की कंपनी, आप जानते हो कि टी सीरीज एक म्यूजिकल कंपनी है, और जो कि एक चैनल बनाई यूट्यूब पे, और वो चैनल अब पूरे यूट्यूब का नंबर 1 चैनल बनने जा रहा है। और दूसरी तरफ है एक प्यूडीपाई, वो एक इंडिविजुअल क्रिएटर है जो कि स्वीडन से है और उसका नाम फिलिक्स है, और वो अपने 4-5 साल से पूरे यूट्यूब पे नंबर 1 पे था। अब उसको ओवरकम करने जा रही है टी सीरीज। ओके, सो इन दोनों का भी आप देख सकते हो लाइव करंट में, ये दोनों का 73 मिलियन है, और बस 3 लाख की लीड पर है प्यूडीपाई, मतलब 3 लाख की लीड प्यूडीपाई ने अभी भी टी सीरीज को दी हुई है। सो गैस, इस मैटर पे भी अगर आपको लग रहा हो कि तो कोई छोटा सा मैटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर गवाया ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्यूडीपाई के जब सब्सक्राइबर्स कुछ 62 मिलियन थे, और जब ये मैटर स्टार्ट हुआ था तो उसने टी सीरीज को काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा उसके अगेंस्ट वीडियो बनाए थे, और बहुत ही ज़्यादा रोस्ट किया था टी सीरीज को। पर टी सीरीज हम जानते हैं कि एक कंपनी, और वो इन सब चीज़ों में फालतू रिस्पॉन्स कभी भी नहीं करेगी, तो उसने वही किया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो प्यूडीपाई को कोई भी अट्रैक्शन नहीं मिला, और उसके चैनल पे जो भी सब्सक्राइबर थे वो कम होने लगे। बस इतना काम हुआ, तब प्यूडीपाई ने सोचा भाई मेरे चैनल तो कम हो रहे हैं, और ये टी सीरीज वाले कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे मेरे वीडियो पर, क्योंकि अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो कोई भी उससे पॉपुलरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप कोई वीडियो निकाल लो और उस पर कोई भी रिएक्ट रिस्पॉन्स कोई भी नहीं कर रहा, किसी के अगेंस्ट आप वीडियो निकाले हो और वो जो जिसके अगेंस्ट वीडियो निकाले वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो गाइस ये कोई भी मैटर नहीं बनता। तो उसने क्या किया, उसने क्या, उसने इंडिया के बारे में बहुत ही बुरा भला कहा, और इंडिया के अगेंस्ट एक वीडियो निकाल दी, क्योंकि टी सीज हमारे इंडिया का है, तो उसने इंडिया के अगेंस्ट ही वीडियो निकाल दी डायरेक्ट। फिर उसको इसने मैटर क्रिएट कर दिया। अब इस मैटर के क्रिएट होने से उसको एक फ़ायदा हुआ, उसको अट्रैक्शन मिला और पॉपुलरिटी मिली, और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई हमारे इंडिया को बुरा कहेगा तो हमारे इंडिया वाले उसको छोड़ेंगे। तो उसने वही किया, इंडिया के बहुत से क्रिएटर्स ने उसके ऊपर रिएक्ट किया और बहुत ही बुरा भला कहा प्यूडीपाई को। सो गाइस, इतनी पूरी बात हुई, तो प्यूडीपाई को अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, और प्यूडीपाई आप देख ही सकते हो कि 3 लाख की लीड अभी भी टी सीरीज को दिया हुआ है। तो ये बात है, और अब बात करते हैं कुछ ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स के बारे में जिन्होंने प्यूडीपाई को बहुत ही बुरा और बहुत ज़्यादा बुरा कह दिया, और जो कि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये भाई साहब जी ने अपने वीडियो में कहा है कि प्यूडीपाई एक बहुत ही बुरा, मतलब यूट्यूब क्रिएटर है, उसने इंडिया को फालतू में इतना दिया। भाई उसने फालतू में नहीं कहा, एक बार उसकी सिचुएशन तुम सोचो, उसकी सिचुएशन ये थी कि वो 4-5 साल से नंबर 1 पे था, अब उसको एक दूसरा चैनल है वो ओवरकम करने जा रहा है। सो और देखो, पहले उसने शुरुआत में टी सीरीज के अगेंस्ट वीडियो बनाया, ना कि इंडिया के, ओके, सिर्फ टी सीरीज को बुरा बुरा कहा, पर जब टी सीरीज ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया तो क्या करे, क्योंकि अगर उसको अभी, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता ना, तो आज हमारा टी सीरीज कब का प्यूडीपाई से लाख गुना आगे होता, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्यूडीपाई ने रोस्ट निकाला इंडिया के ऊपर, तो ये इससे उसको रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि उसको मतलब था रिस्पॉन्स से और अट्रैक्शन से, उसको ये नहीं, उसको ये फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि रिस्पॉन्स कैसा मिला, अच्छा मिला या बुरा मिला, उसको सिर्फ रिस्पॉन्स चाहिए था, और वो रिस्पॉन्स हमारे इंडिया वालों ने उसे दे दिया, और काफ़ी पॉपुलर प्यूडीपाई हो गया, और जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि वो आज भी 3 लाख की लीड टी सीरीज को दिया हुआ है, और टी सीरीज से 3 लाख सब्सक्राइबर आगे है। ओके गाइस, तो ये पूरी बात हुई, और अगर आपको ज़्यादा बुरा लग रहा है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, और पता है आप लोग अपने इमोशंस को इन सब चीज़ों पे ना जोड़ो भाई, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो प्यूडीपाई ने ये जानबूझ के गेम खेला है। इससे क्या हुआ, जिस बंदे के, प्यूडीपाई के पहले मैं बता दे रहा हूँ, जब 50 मिलियन या 62 मिलियन को सब्सक्राइबर थे, तो उसके पर डे सब्सक्राइबर बढ़ते थे ओनली 25,000 या 30,000, ओके, और उसके सब्सक्राइबर भी कुछ रोज़ बहुत कम, या फिर व्यूज़ भी कुछ कम इतने आते थे, बहुत कम, मतलब जो रेशियो था सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ का वो बहुत ही कम था, कम कंपेरिजन टू करेंट, ओके। अब उसके सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, रोज़ उसके 1 या 2 लाख तो बढ़ जाते होंगे आराम से, और उसके व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, 6 मिलियन 7 मिलियन ऐसे रोज़ के व्यू आते हैं उसके अब। सो गाइस, इससे ये हुआ कि उसने इस मैटर को पूरे क्रिएट किया दिमाग से, और ये मैटर उसने इतनी अच्छे से क्रिएट किया कि उसको बहुत प्रॉफिट दे रहा है। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात ये है, और अगर आप जीतने को कह रहे हो तो यार टी सीरीज जीत चुका है इस मैच को, ये सब जानते हैं, पर फिर भी प्यूडीपाई इस मैटर को लंबा खींचेगा क्योंकि उसे और प्रॉफिट चाहिए है। सो सिंपली बात है भाई, आप अपने इमोशंस को इन सब फालतू चीज़ में ना जोड़ो, आप सिर्फ उसी बंदे को सपोर्ट करो जो आपको सबसे ज़्यादा एंटरटेन कर रहा हो।
ऐसे आप जानते हो फॉर एग्जांपल कि मेरा एक म्यूज़िक चैनल है और मुझे सॉन्ग्स चाहिए होते हैं और मैं जानता हूँ कि टी सीरीज बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स क्रिएट करता है जिसके ऊपर मैं कवर बनाता हूँ, तो मैंने टी सीरीज को सब्सक्राइब किया है क्योंकि वो मुझे ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है। तो इसी तरह अगर आपको प्यूडीपाई ज़्यादा एंटरटेन करे तो आप उसको सब्सक्राइब करो, अपनी नेशनैलिटी को लेकर ना जाओ ऑफेंड। उसने बस दिमाग खेला, मतलब प्यूडीपाई ने सिर्फ इंडिया को इसलिए बुरा कहा क्योंकि उसको रिस्पॉन्स चाहिए था, उसको अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो आज फर्स्ट पे नहीं होता और टी सीरीज हमसे आगे कबका निकल चुका होता, प्यूडीपाई से टी सीरीज बहुत पहले ही आगे निकल जाता अगर प्यूडीपाई ने ये नहीं किया होता। तो एक बार प्यूडीपाई की जगह आप अपने आप को रख के सोचो कि आप नंबर वन पे और आपको कोई दूसरा चैनल अभी ओवरकम करने वाला है बहुत जल्द। सो आप ऐसे ही करोगे गाइस, ऐसा करना पड़ता है। उसका कोई मेन मोटिव ये नहीं था करने का क्योंकि उसकी दुश्मनी थी टी सीरीज से कि वो नंबर वन पे कैसे जा रहा है। तो जब टी सीरीज ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया तो उसे फालतू इंडिया को बुरा बुरा भला कहना पड़ा जिससे उसको रिस्पॉन्स मिले। सो गाइस ये पूरी मैटर क्रिएट हुआ है और काफ़ी हमारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहे हैं जिसके थ्रू लोग अपने इमोशंस को इन सब चीज़ों में जोड़ रहे हैं। गाइस आप अपने इमोशंस को इन सब चीज़ ना जोड़ो और मैं उन सभी यूट्यूबर से कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे वीडियोस ना क्रिएट करो जिससे लोगों के इमोशंस मतलब फालतू इन सब चीज़ों में जोड़े और उनके इमोशंस ना खेलो क्योंकि एक इमोशंस ही ऐसी चीज़ होती है जो हर इंसान की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके तो कभी भी उनके साथ खिलवाड़ ना करो और मैं तो बता रहा हूँ सिर्फ उसी को सब्सक्राइब करो जो आपको सबसे ज़्यादा एंटरटेन कर रहा हो। ओके इन सब चीज़ों में फालतू ना पढ़ो, बस इसको एंटरटेनमेंट के व्यू से देखो, इसमें कोई भी नेशनैलिटी ना जोड़ो क्योंकि यूट्यूब पे सब इक्वल है। ओके यूट्यूब पे सब इक्वल है, कोई भी इंडियन नहीं कोई भी नहीं, सब क्रिएटर हैं सब इक्वल है। ओके तो इसमें प्लीज़ नेशनैलिटी ना जोड़ो। और आप सोच रहे होगे कि मैं प्यूडीपाई का सपोर्ट कर रहा हूँ, तो गाइस मैं प्यूडीपाई का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको देख रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा मुझे एंटरटेन करता है, मुझे एंटरटेन टी सीरीज करती है क्योंकि मुझे उसके मुझे वीडियोज़ के थ्रू मैं उसके ऊपर गिटार कवर बनाता हूँ उनके सॉन्ग्स पे। ओके इसलिए मैं टी सीरीज को सब्सक्राइब किया है, तो आपको भी जो सबसे अच्छा लगे आप उसको सब्सक्राइब करो। ओके बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो। ओके और कमेंट में मुझे बताना कि आपको इस आपके व्यूज़ क्या हैं इस मैटर को रिलेटेड। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोज़ को रोज़ देखते रहिए। गुड बाय।